अशोकनगर में पहली बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ है। मंगलवार को कथा का दूसरा दिन था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने पहुंचे। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु नवीन कृषि उपज मंडी पहुंचे। वहां पर शिव महापुराण की कथा में श्रद्धालु लीन हुए दिखाई दिए। साथ ही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के भजनों पर श्रद्धालु जमकर नाचे। इस कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे। पितृपक्ष के अवसर पर राजराजेश्वर की नगरी अशोकनगर में तर्पण शिव महापुराण के नाम से सांसद डॉक्टर KP यादव ने कथा आयोजित करवाई है। कथा के दौरान अशोकनगर जिले के अलावा अन्य जिलों के बीच श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। पहले दिन ही पांडाल फुल हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्राद्ध पक्ष का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा कि जो महिलाएं श्राद्ध पक्ष में भोजन का निर्माण करती है, उसका पुण्य लाभ ससुराल पक्ष व मायका पक्ष दोनों को प्राप्त होता है। आज कथा में लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। साथ ही रेल मंत्रालय द्वारा कथा के लिए आज से 25 सितंबर तक के लिए गुना और बीना के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। कथा को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त माहौल है। गांव-गांव से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन व समिति के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।